थोड़ा सा डाला है घी और जीरा हींग से तड़का लगा के, दो साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन, इसे मैं ज़रा सा भूनूंगी। फिर उसमें डाल दिया है हल्दी और थोड़ा सा डालूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी दाल और चावल की खिचड़ी यहाँ पर। तो दाल मेरा तुअर दाल है और बासमती का चावल है। तो बस इन मसालों को ज़रा समय 1 सेकंड के लिए गर्म होने दूंगी। फिर उसके बाद इसमें अपना धुला हुआ दाल चावल मैं इसमें डाल दूंगी। ये दाल और चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इससे हमारी खिचड़ी भी बहुत अच्छी होगी, गल जाएगी और गैस का भी यहाँ हमारा बचत होगा। तो बस 1 मिनट या उससे कम भी समय में मैं इन मसालों के साथ दाल चावल को अच्छे से फ्राई करूँगी। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर दूँगी, जितना मुझे गाढ़ा या पतला चाहिए होगा। तो बस इसके बाद मेरी खिचड़ी तैयार है। अब चूंकि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, इसके आगे का ब्लॉग मैं कुछ देर बाद ही शूट करूँगी क्योंकि मुझे किसी के साथ जाना है पार्लर। तो मैं अभी पार्लर पहुँच के फिर मैं आप लोगों से पार्लर में ही डायरेक्ट मिलती हूँ। तो हाँ, ये हमारी खिचड़ी लगभग 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो फिर चलिए चलते हैं, पार्लर में मिलती हूँ। तो ये है जावेद हबीब का फ्रेंचाइजी पार्लर। एक्चुअली में मैंने आज इसका क्लिप इसलिए लिया है क्योंकि जानते हैं मुझसे कई लोगों ने इसके पहले भी पूछा है मेरे हेयर कटिंग का, मतलब मैं कहाँ करवाती हूँ। तो मैंने सोचा कि उन लोगों को भी मैं दिखा दूँ कि कहाँ कहाँ मैं, मतलब किस पार्लर में मैं जाती हूँ। तो ये है गोलघर एरिया में हमारा जावेद हबीब का फ्रेंचाइजी पार्लर। यहाँ की कटिंग इतनी अच्छी और इतनी सुंदर होती है कि फिर मतलब खुद को भी तो अच्छा लगता ही है, देखने वाले भी पूछते हैं। तो मैंने आज यहाँ का क्लिप ले लिया है। और ये हमारे फ्रेंड की बेटी है जिसने जिसे बाल कटिंग करवाना है, मुझे भी कटिंग करवाना था, बट एक्चुअली में मैं आज बाल धुलना मतलब नहीं धुल पाई मैं, तो फिर इस वजह से मैंने नहीं कटवाया। आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि क्या ये स्टेप कटिंग जो इन्होंने करवाया है इनकी बेटी ने, क्या मैं भी वो करवाऊँ। तो इसके पहले भी मैं जितनी बार भी करवाई हूँ स्टेप कटिंग ही हमने करवाया है। तो ये कटिंग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर यहाँ से निकलने के बाद मुझे घर पहुँचना है। और फिर क्या कहते हैं, ये देखिए इसकी कटिंग हो गई है, ये स्टेप कटिंग है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लुक है इसका। आप मिरर में देख सकते हैं जिसने ये कटवाया है। और मुझे मेरे से ख्याल से शायद इस लड़की को बहुत लोग पहचानते भी होंगे, तो कौन कौन पहचानता है मुझे बताइएगा। तो गुड लुकिंग है मतलब इसका फेस भी और ये हेयर स्टाइल तो खैर बहुत ही मज़ेदार है। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए मिलती हूँ फिर घर पे, क्योंकि शाम हो चुका है, इस समय बज रहे हैं शाम के 5 और मुझे फटाफट से घर पहुँचना है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। तो फिर मिलती हूँ घर चल के मैं। हेलो एवरीवन, मैं देखिए घर आ गई हूँ और अब मुझे फटाफट से चाय नाश्ते की तैयारी करनी है क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। मेरे हस्बैंड को चाय की आदत है, तो बस मैं यहाँ पे चाय वगैरह बना रही हूँ। अभी मैं जस्ट आई हूँ 15-20 मिनट पहले। और फिर उसके बाद आने के बाद मैं तुरंत चेंज करके हाथ पैर धुल के, तो मैंने यहाँ चाय चढ़ा दिया है और ये दूसरी तरफ हम बना रहे हैं क्विक एंड ईजी रेसिपी अपना पॉपकॉर्न। और मैं यहाँ मैं पॉपकॉर्न में कुछ खास इंग्रेडिएंट्स आज नहीं डालूंगी क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट काम कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने 2 चम्मच के करीब घी डाल दिया है और उसमें फिर डालूंगी मैं 2 चुटकी से भी कम थोड़ा सा हल्दी। और आप यहाँ चाहें तो हींग वगैरह भी, अगर हींग का फ्लेवर आपको पसंद है तो आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं। और फिर ये 1 कटोरी हमने डाल दिया है इसमें पॉपकॉर्न और दूसरी तरफ मेरा चाय बन के तैयार हो रहा है। तो बस अधिक से अधिक मेरा 1 मिनट में पॉपकॉर्न बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर ये देखिए मैंने इसको हल्के से चला दिया है, तो फिर देखिए 1 मिनट में मेरा पॉपकॉर्न फूटना स्टार्ट हो गया है। तो मतलब 1 मिनट के अंदर ही बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है।